आईसीएसई 2023 इंग्लिश पेपर वन लीड। इंग्लिश पेपर वन इज लीड। सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्या हमारा पेपर अब कैंसिल हो जाएगा? क्या हमारा पेपर होगा ही नहीं? या फिर जो लीक्ड पेपर है उसी को पढ़ के कुछ बच्चे आउट ऑफ ले आएंगे? तो इन सब का आंसर मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। सो हे गाइस, वेलकम टू ट्यूशन वाला फाउंडेशन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आईसीएसई इंग्लिश पेपर वन लीक्ड का सबसे बड़ी मिस्ट्री। ये एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि क्या आपका आईसीएसई 2023 पेपर वन लीक हो चुका है फॉर योर इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इसका आंसर है यस। बट आंसर को यस सुन के ही आप ये मत करिए कि भाई क्वेश्चन पेपर लीक, अब पेपर नहीं होगा, अब जिस बच्चे के पास पेपर है वही आउट ऑफ लाएगा। तो अपनी इन सारी मिथ्स, इन सारी स्ट्रैटेजीज को असाइड रख के मेरी स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए। आईसीएसई 2023 इंग्लिश पेपर वन लीड, इसका मतलब ये है कि इसको लिखने का फॉर्मेट इज लीड, इसमें आउट ऑफ लाने का फॉर्मेट इज लीड, और इस पेपर को प्रॉपरली कैसे अटेम्प्ट करना है और अपने स्कोर्स को एट द लीस्ट 80 आउट ऑफ 80 और कम से कम 70 तक कैसे लेके जाना है, दैट इज लीड। तो अब आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ गए होंगे कि आईसीएसई पेपर वन इंग्लिश का लीक होने का मेन रीजन क्या है। तो यहां पे क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, यहां पे हुआ है उसको आंसर देने का तरीका लीक्ड। और वो लीक्ड कैसे हुआ है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पे मैं आपको बताने वाली हूं आपको अपने इंग्लिश पेपर वन विच इज योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके आंसर्स किस फॉर्मेट में लिखने हैं जिससे आपको लगे कि आपके हो गए हैं क्वेश्चन पेपर लीड। आपको क्वेश्चन पेपर देखते ही ये दिमाग में आ जाए, अरे ये तो मैंने पढ़ा है, अरे ये तो मुझे आता है। तो दिमाग में ये एक सेंस बन जाएगा आपके कि क्या मैंने ये क्वेश्चन पेपर पहले ही पढ़ा है, क्या मैंने ये लीड क्वेश्चन पेपर पहले ही पढ़ा है। तो वैसी स्ट्रेटजी, वैसी चीजें आपके दिमाग में आए उसके लिए फॉलो माय 6 पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटजीज। सबसे पहली स्ट्रेटजी कहती है कॉम्पोजिशन। देखिए, कॉम्पोजिशन का ना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में। आपके पेपर में कॉम्पोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप अपने स्टार्टिंग स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कॉम्पोजिशन इंग्लिश है तो भाई कॉम्पोजिशन तो आएगा ही आएगा। और कॉम्पोजिशन में जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं वैसे वैसे वर्ड्स की लिमिट भी इंक्रीज हो जाती है। मार्क माई वर्ड, जैसे जैसे आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी वर्ड लिमिट्स भी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही आप 10th में आए हैं आपकी वर्ड लिमिट्स हो चुकी है 350 to 300 words। एटलीस्ट आपको 300 से लेके 350 words तक तो कंपोजिशन लिखना है। अब यहां पे बात करते हैं अगर आपने अपार्ट फ्रॉम 350 words लिख दिए, तो बेसिकली बच्चों देखो होता क्या है ना, 350 वर्ड्स के ऊपर अगर आप गए दैट इज इक्वल टू 400 और 450, तो एट पॉइंट्स आपका कॉम्पोजिशन जो है ना वो कॉम्पोजिशन नहीं लगता, वो लगता है आपने नॉवेल लिखी है एंड यू आर नॉट अ राइटर अप टिल नाउ। तो आपको नॉवेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉम्पोजिशन पूछा है, जस्ट फोकस ऑन इट ना। अपने वर्ड को 300 to 350 में कन्वर्ट करना सीखिए, जिसमें मैं आपको अंदाज़ा दे दूं कि मैक्स टू मैक्स आप 3 पैराग्राफ तक क्रिएट कर सकते हैं विथ 300 and 350 words। मैक्स टू मैक्स यू कैन क्रिएट अप टू 3 पैराग्राफ। और ये 3 पैराग्राफ में से पैराग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पैराग्राफ 1 लिखा, ठीक है, आपने पैराग्राफ 2 लिखा एंड देन यू रोट द पैराग्राफ 3, तो ये बेसिक सी चीज़ें शायद आप लोगों को पता हो, बट जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे ध्यान देना। पैराग्राफ वन की जो पहली की 2 लाइन्स हैं, पैराग्राफ वन की जो स्टार्टिंग की 2 लाइन्स हैं, दोज लाइन्स आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो लाइन्स एग्जामिनर बहुत ही ध्यान से पढ़ता है। फिर बीच का कंटेंट शायद ही एग्जामिनर रीड करे, बट लास्ट वाला पैराग्राफ, इंटायर पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट वाले पैराग्राफ की 1 to 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाला पैराग्राफ इंटायरली इंपॉर्टेंट है।
तो कुछ इस वे में आपको अपने कॉम्पोजिशन को सम अप करना है विद इन 300 टू 350 वर्ड्स, जो क्या बनाएंगे, जो आपके तीन पैराग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है। और इन तीन पैराग्राफ्स में आपको किस पे फोकस करना है, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको रखना है पैराग्राफ नंबर वन पे, जिसमें आप फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को बहुत ही प्रॉपरली लिखिए, जो भी कंटेंट आपको दिल से लिखना है सारा कंटेंट लिख दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ टू पे आते हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट, शायद एग्जामिनर रीड करेगा, बट नेक्स्ट आते हैं पैराग्राफ थ्री में, जो कि इंटायरली लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको और अच्छे से समझना है कि आपका कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, इस हद तक प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है वो चेक करते ही आपको बोले यार ये कॉम्पोजिशन बेस्ट है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश रिलेटेड सारी वीडियोस को देख सकते हैं बिफोर योर एग्जाम्स। सो डू विजिट द प्लेलिस्ट ऑफ आवर चैनल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट लेट मी फॉरगेट इट, कॉम्पोजिशन जो होगा ना आपका, अगर आप 300 टू 350 वर्ड्स का कॉम्पोजिशन बनाने की सोच रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक 300 टू 350 वर्ड्स कॉम्पोजिशन, तो इस कॉम्पोजिशन को आपको फिनिश करना है मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में। मार्क माई वर्ड्स, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। कम होगा तो वेल एंड गुड, बेटर है, बहुत अच्छा है, बट अगर ज़्यादा गया ना, 31 भी हो गया, 30 से 31 भी हो गया ना, आप लोग के लिए लॉस है, आपकी टाइम मैनेजमेंट पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो आपने बाकी सारे सेशंस के लिए अपना टाइम सेव करके रखा था, वो टाइम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो टू बी ऑन अ वेरी सेफर साइड, डू नॉट, मार्क माई वर्ड्स, डू नॉट एक्सटेंड योर टाइम बियॉन्ड 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा अपना टाइम एक्सटेंड मत करना। क्लियर विद दिस थिंग? तो और अगर आपको डेप्थ में देखना है हाउ टू राइट अ कॉम्पोजिशन इन योर ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन, डू विजिट आवर चैनल प्लेलिस्ट, यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। और ऐसे इंफॉर्मेशन बताई गई है कि आप जैसे ही कॉम्पोजिशन लिखेंगे और एग्जामिनर आपका चेक करेगा ना, बोलेगा यही तो चाहिए था, यही कॉम्पोजिशन तो हमें चाहिए था। ओके, सो विद दिस यू आर सिक्योरिंग योर मार्क्स इन कॉम्पोजिशन सेक्शन। नेक्स्ट लेटर राइटिंग पे आते हैं, तो जो लेटर राइटिंग वाला पार्ट है ना, कुछ बच्चों के लिए दे थिंक लाइक अरे बाप रे लेटर राइटिंग बोरिंग है, कुछ के लिए इंटरेस्टिंग है, कुछ के लिए टाइम सेविंग है। अब इन तीनों के रीजंस क्या हैं? तो बोरिंग होने का सबसे पहला रीज़न है कि कॉम्पोजिशन में आप कोड्स डाल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया किसी भी चीज़ रिलेटेड कॉम्पोजिशन, तो आप कोड्स डाल दीजिए, किसी भी राइटर के कोड्स। अगर आपको कोड्स याद हैं, राइटर का नाम नहीं याद है, तो आप सिर्फ कह सकते हैं करेक्टली सेड बाई समवन, ठीक है। अगर आपको कोट्स याद है, राइटर का नाम याद नहीं है, तो भी चलेगा, बट कोट्स मेंशन करना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा कोट्स आप अपने कॉम्पोजिशन में डालेंगे, उतना ज़्यादा कॉम्पोजिशन अट्रैक्टिव लगेगा। एंड जहाँ भी कोट्स डाल रहे हैं ना, उसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट कर दीजिए एंड मार्क इट विद पेंसिल। कोई भी कोट्स अगर आप कॉम्पोजिशन में लिख रहे हैं, उनको डबल हैंडेड एरो के बीच में लिखना और पेंसिल से मार्क करना। एंड मार्क माई वर्ड्स, कॉम्पोजिशन में जितने ज़्यादा कोट्स होंगे ना, उतना इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन होगा और उतने खुशी से एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे। तो कॉम्पोजिशन में तो आपको कोट्स लिखना ही लिखना है, 300 से लेके 350 वर्ड्स में मैक्स टू मैक्स आपको 3 कोट्स तो लिखना ही है, 3 to 4 कोट्स तो लिखना ही है, मेरी मानो फुल मार्क्स मिलेंगे। कोट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। बट जैसे ही आप लेटर राइटिंग में आते हैं ना, लेटर राइटिंग एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो बहुत ही हद तक फॉर्मल जाती है। कैसी जाती है? फॉर्मल। अब फॉर्मल चीज़ है तो आप बोलेंगे चलो भले ही आप अपनी दोस्त को लेटर लिख लें। चलिए हम लेटर राइटिंग के फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मेट होता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक करना है आपको। अगर आपको फॉर्मल करना है तो आपको पता है टू डियर ऐसा वाला यूज़ करते हैं, डियर फ्रेंड, डियर व्हाटएवर। टू रिस्पेक्टेड सर और मैम, वॉट यू यूज़, ओके। तो ये जो फ़र्क है ना डियर और रिस्पेक्टेड का, ये वाला जो, सॉरी, इट इज़ लाइक इनफॉर्मल में यू यूज टू डियर एंड इनफॉर्मल यू यूज टू रिस्पेक्टेड, क्लियर। तो इनफॉर्मल में आप जो डियर वाला लिखते हैं ना, मतलब यानी कि आप अपने फ्रेंड या किसी भी क्लोज वंस को लिख रहे हैं, उसमें भी आपको कोट्स नहीं यूज़ करने, उसमें आपको अपना मैसेज कन्वे करना है। तो थोड़े हद तक वो भी एक तरह से फॉर्मल वे में ही चला जाता है। अगर मैं
फॉर्मल की बात करूँ, एक प्रॉपर फॉर्मल लेटर की, तो ये आप लिख रहे हैं किसी भी कॉरपोरेट ऑफिस के हेड को, प्रिंसिपल को, टीचर को, वट एवर, समवन हु इज एट अ रेप्यूटेटेड पोस्ट और अ पोजिशन देन यू. तो आप उनको कैसे डिनोट करेंगे? टू रिस्पेक्टेड सर और मैम. ओके, यू विल राइट द सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, एंड देन यू विल राइट द कंटेंट. अब अगर कंटेंट की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट, तो इनफॉर्मल लेटर में आपको लिखना है कम से कम टू पैराग्राफ, एंड दीज टू पैराग्राफ शुड बी नॉट मोर देन 150 to 200 वर्ड्स. दीज आर दी एक्सेस ऑफ वर्ड्स विच आई एम टेलिंग यू. ठीक है, आप मार्क कर सकते हैं 150 वर्ड, हद तक इतने पर 1 वर्ड्स का आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फॉर्मल लेटर, तो ये आप किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को लिख रहे हैं, किसी भी हाई पोस्ट ऑफिसर या फिर कोई भी प्रिंसिपल या टीचर. सो यू नो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है टू रीड द इंटायर कंटेंट. तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपके कंटेंट के सब्जेक्ट को रीड करते हैं, एंड देन दे एनालाइज व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द कंटेंट. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 70 to 100 वर्ड्स में अपना कंटेंट मेंशन करना है, टू बी ऑन अ सेफर साइड. ओके, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट एक लिमिट मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्मल लेटर के लिए 70 to 100 वर्ड्स का ही लिमिट रखना. ठीक है, ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखना, क्योंकि ये जो लेटर राइटिंग से लेके अब 6 पॉइंट तक जितने भी कंसेप्ट हैं, ये सब फॉर्मेट बेस पे आपको मार्क्स देते हैं. ये सब में फॉर्मेट बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे. इकलौता कॉम्पोजिशन है जिसमें आपको कंटेंट के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे. क्लियर विद दिस थिंग? तो यहाँ पे लेटर राइटिंग में भी फॉर्मेट पे फोकस करना. इनफॉर्मल लेटर में 150 वर्ड्स तक आप जा सकते हैं, बट जहाँ पे फॉर्मल लेटर आ जाता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करना ज़रूरी है, एंड वर्ड लिमिट आपको 70 to 100 रखनी है, उससे ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं करना. क्लियर? उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बट एक सेफर साइड में आपके लिए रहने को 70 to 100 इज़ इनफ, चलता है, उतने फॉर्मल लेटर में चलते हैं. बस आपको अपनी प्रॉब्लम या कोई भी कंप्लेन, कोई भी परमिशन है उसको मेंशन करना है, जो कि आप सब्जेक्ट में ऑलरेडी मेंशन कर चुके होंगे. एंड अगर आपको देखना है कि प्रॉपरली आपको और किस वे में लेटर राइटिंग को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में इसके भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो डू विजिट आवर चैनल प्लेलिस्ट. ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लेट मी राइट ओवर हियर फॉर्मल. ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ईमेल राइटिंग. अगेन दिस कंटेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फॉर्मेट. यहाँ पे कंटेंट नहीं देखेंगे, यहाँ पे कंटेंट देखेंगे, बट मार्क्स आपको किस बेसिस पे दिए जाएंगे? मार्क्स ईमेल राइटिंग में भी आपको फॉर्मेट के बेस पे दिए जाएंगे, और इसका भी फॉर्मेट के वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. नेक्स्ट इज योर नोटिस राइटिंग. ओके, नोटिस राइटिंग के भी वीडियोज हमारे उसमें अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो किस वे में आपको ये भी लिखना है हमारी वीडियो से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड ग्रामेटिकल पोर्शन. रीड द पैसेज, पैसेज को कितनी स्पीडली आपको रीड करना है, जिससे आप रीडिंग के साथ साथ आंसर्स को भी एनालाइज कर ले, एंड फाइनली आप उसको लिख पाए, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है. एंड फॉर ऑल दीज 6 कंटेंट, वीडियोज आर अवेलेबल इन आर चैनल प्लेलिस्ट. तो इन कंटेंट को और ज्यादा डीप में समझने के लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे डोंट गेट मिसकंसेप्ट नहीं होना है आपको. ICSE 23 इंग्लिश पेपर 1 लीड, इसका मेन रीजन यही है कि आपका जो पेपर लिखने का फॉर्मेट है, जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, वो चीज हो गई है लीड. और वो कैसे हुई है मैं आपको इस पूरे वीडियो में बता चुकी हूँ. ओके, तो यहाँ पे आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्यूशन वाला फाउंडेशन, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज वॉच द शॉर्ट वीडियोज ऑफ आवर चैनल, एंड ऑल्सो गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ आवर चैनल, जिसमें आपको सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.